निंजा 650। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो होप करता हूँ गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून में अपने जितने भी देहरादून के मोटो ब्लॉगर्स भाई लोग हैं सबका मीटअप है, और मीटअप की लोकेशन कोई शायद से प्ले ग्राउंड या फिर स्टेडियम टाइप पता नहीं क्या है। तो एक बार मैं फ़ोन में अपना चेक कर लूँगा। बाकी मेरा दोस्त एक विराज है जिसके कॉन्टेक्ट में हूँ मैं, जो एक मोटो ब्लॉगर है, तो उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ, उसने मेरे को इनवाइट करा है। तो फिर उससे मिलते हैं, पहले गाड़ी में फ्यूल अप करवाते हैं। गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्यूल अप करवाते हैं और फिर निकलते हैं देहरादून की तरफ और देखते हैं गाइस मीटअप का क्या सीन रहेगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल अप करवाते हैं गाड़ी में, देन उसके बाद निकलते हैं। सेंटा बोल रहा है कुछ खाने के लिए दो, तब चलेंगे। चेक करते हैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप, चली जाएगी शायद से। तो गाइस इस पेट्रोल पंप पे तो मेरे को भीड़ मिली, और देहरादून भी जल्दी पहुंचना है क्योंकि अभी विराज का फोन आया था, वो बोल रहा था भाई कि जल्दी पहुंच। लेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट कोई नहीं, फ्यूल अप करवा के सीधा आप लोगों को मीटअप पॉइंट पे मिलूँगा। पाँच सौ का कर दो भैया, 500 का। तो फाइनली गाइस फ्यूल अप हो चुका है और चलते हैं। फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आरएस पे क्यों नहीं ब्लॉग कर रहा हूँ बेबी के साथ, बिकॉज़ बेबी अभी थोड़ा रेस्ट पे चल रही है, मतलब ठीक है, प्रॉपर चल रही है, बट उसको बहुत ही रेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आजकल ज़्यादातर मैं सेंटा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने सेल कर दी। काफ़ी बंदों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपने बेबी सेल कर दी या फिर क्या रखी है, तो वो रखी है, आने वाले ब्लॉग उस पर ही होंगे। बट फिलहाल आजकल मैं थोड़ा सेंटा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज उसको चलाने में फील आ रहा है आजकल। तो मिलते हैं आप लोगों को मीटअप पॉइंट पे, फिलहाल के निकलते हैं, कैमरा ऑफ करते हैं अपना। तो गाइस अभी मैंने लाइव लोकेशन मंगाई है और मैं रायपुर रोड पे चल रहा हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस इस रोड पे, मतलब मैंने कभी आज से पहले इस रोड पे राइड नहीं करी। आई डोंट नो मीटअप पॉइंट किस जगह रखा है, कोई स्टेडियम है, प्रॉपर नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं, और लाइव लोकेशन मंगा ली है हमने, यहाँ से अप्रॉक्स 4 to 5 किलोमीटर दूर है अब। और मीटअप था 11 बजे का या 11:15 के आसपास का, बट हमें 12 बज चुके हैं, तो हम लोग पहले से ही लेट लतीफ़ हैं यार, क्या करें। फ़िलहाल चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं रोड पे, और चलना आराम से पड़ेगा बिकॉज अननोन रोड है, तो पता नहीं रोड पे गड्ढे ब्रेकर वगैरह कब आ जाए। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ रायपुर रोड पे,
बट लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही बिकॉज क्योंकि इधर से ना दोनों तरफ से पेड़ है और बीच में रोड है और मतलब बाइक चलाने में भी मज़ा आ रहा है और थोड़ी फील सी भी आ रही है। तो फाइनली गाइज लोकेशन मिल चुकी है और गाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे गाइज बहुत ही तगड़ी भीड़ हो रखी है इस समय और मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ होनी है, बट बहुत सही मीटअप कर रखा है भाई साहब। अपने देहरादून में भी है यार बंदे जो काफ़ी ब्लॉगर्स बन चुके हैं, तो एक बार विराज भाई को कॉल करते हैं यहाँ पे खड़े होके कि ब्रो है कहाँ पे अभी। और ये अरे ब्रो कहाँ पे हुआ भाई, उधर जो स्टेडियम की तरफ है जो लोकेशन है ना, मैं अभी पहुँच चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे बाइकर्स लोग खड़े हैं। आप दिख नहीं रहे मेरे को। आ गया भाई उधर यार। ओके ओह माय गॉड अल्टीमेट। और ये मुझे लग रहा है विराज भाई है अपने। और क्या हाल है भाई जी, कैसे हो? बढ़िया। और बताओ क्या मुझे हो रहा है? अरे यार एक बंदे में क्रैश हो गया। अच्छा पीछे? अरे यहीं पे ना। अच्छा मारते है ना वो बिल्ली ज्यादा पॉप अप हो गई। सात कर दे उठाई ना। अच्छा एक उठाई दूसरी उठाई एक दो बंदों पर आज बना था आपके ना जिसका मेकअप था ना। अच्छा बिल्ली उठाई और टेल टाइट ही नीचे टच हो गई बस गाड़ी डिजाइनर से। उफो तो ठीक है अभी इसके नहीं लगी ऐसे फुट टेस्ट हो जाओ टेल। अच्छा फिलहाल ठीक है। कहां पे है अभी? इधर ही है। आ रहा इधर ही आ रहा। चार इधर ही 390 ड्यूक से मार रहा। अच्छा हां ये तो है ही। मेरा टाइम लग गया आने में यार भाई, थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। और सब बढ़िया? चलो अभी मिलते हैं बैठ के कहीं बात करते हैं अभी आराम से, ठीक है? और कैसे हो सर? फाइनली मिल लिया हमें। और दो भाई लोग और कहाँ हैं? एक कार के अंदर है। अच्छा ओ सारे ब्लॉग देखता हूँ सर आपके। या भैया और सर कैसे हो? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? अच्छा मैंने कहा मिल लेते हैं मीटअप रखा हुआ सर ने तो। कहाँ पे? आरना कहाँ पे? गाइस बहुत कैड़ा सीन हो रखा है यहाँ पे अभी एनएस वाली की विली। ओ माय गॉड बहुत ही अल्टीमेट सीन है। मैं फर्स्ट टाइम किसी मीटअप वगैरह में ऐसे आ रहा हूँ और आई थिंक भैया के या सर के 16 या फिर 20 के सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे को पक्का नहीं पता कितने। तो फिलहाल के लिए अपन आ रखे हैं यहाँ पे और अभी अपन छोटे शहर के यूट्यूबर इतनी बड़े बड़े शहरों में मीटअप मिलने आ रखे लोगों से। एक दिन मीटअप भी रखेंगे अपना यहाँ पे इन फ्यूचर, तो देखते हैं कैसा सीन होता है। फिलहाल निंजा 650 भाई साहब, मैं ना फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ इतनी हैवी गाड़ियाँ मतलब लाइव, वरना आज से पहले सिर्फ वीडियोस में देखी थी। बहुत सेक्सी है भाई। इन फ्यूचर हम पे भी कुछ स्पोर्ट्स बाइक का सेगमेंट होगा सुपर बाइक का और भाई विली मारने की ट्राई कर रहा है आई थिंक, बट हुआ नहीं ना हुआ नहीं भाई से।
तो फाइनली गाइस मीट अप पॉइंट से अब चल चुके हैं हम लोग, बिकॉज बाइक के देख सकते हो आप लोग पैर में चोट लगी है विली मारते हुए। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उससे पहले ही भाई विली वगैरह ट्राई कर रहे थे, तो भाई के चोट वगैरह लग चुकी है, तो भाई को पहले घंटाघर किसी हॉस्पिटल पे लेके जा रहे हैं, देन उसके बाद अपने अपने घर। बाकी आप लोगों को कुछ शॉट्स ऐसे दिखा दूंगा मीटअप पॉइंट के, भाई साहब की नेक्स्ट लेवल थे, मुझे नहीं पता था कि इतने बंदे आएंगे, बट बहुत ही अल्टीमेट सीन था। तो गाइज अभी हमने भाई लोग के पट्टी वगैरह करवा दी है, भाई के साइड से प्लस्तर हुआ है कच्चा, और जैसा भी है सब कुछ अब ठीक है। तो विराज भाई का थैंक यू मुझे देहरादून मीटअप में बुलाने के लिए, और भाई ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया यहाँ पे, मतलब एक मिनट भी ऐसा नहीं कि इग्नोर वगैरह कर रहा था, तो भाई का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। तो मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, एंड थैंक यू विराज मुझे इन्वाइट करने के लिए।